और कास्टिज्म, ये बड़ी तेजी से फैली हुई है। अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा, हम सबको, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, और आम आदमी को भी, तो मुकाबला कर पाओगे। इसी वास्ते मैंने सबसे पहले कह दिया था, जब पहली मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ मैंने कहा था कि भाई इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम, हमारा पूरा सहयोग है, और सहयोग रहा भी, किया भी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोरोना की आड़ में आप डीजल का भाव बढ़ा दो, जो इकोनॉमी फासिज्म की तरह टैक्स पे टैक्स लगा दो। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का भाव सस्ता हो रहा है और यहाँ डीजल का भाव बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार को मैंने कहा कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया है इतनी 250% टैक्स उस पर लगा है, 260% डीजल पर, मैं ये बढ़ाया है तो कम से कम तुम तो अपना वैट कम कर दो, उतना कर दो जितना हमारे समय में था, कुछ तो राहत दो किसानों को, लेकिन इनके राहत देने की बजाय इन्होंने 1 रुपया और कोरोना टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, बस के किराए पर बढ़ा दी। सब्जी मंडी जो सब्जी वैसे ही पिट रही है, टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, वहाँ पर सब्जी मंडी टैक्स लगा दिया, तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा अप्रैल से बजट लागू होना था, 1,40,000 करोड़ का मैंने बजट दिया और अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन कर्जा जो है मार्च में ही मांगने लगे, कैसे कैसे काम चलेगा। सवाल आया भाई कर्जे का, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्जा ठीक है क्योंकि GST नहीं आ रही, आर्थिक स्थिति प्रदेश की इतनी मजबूती हो रही। तो मैंने उस समय कहा था कि भाई जहाँ तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, आप उसके लिए कर्जा लो, मैं कभी उसके ऊपर सवाल यह नहीं करूँगा, लेकिन पहले जो कर्जा ले रखा है जो बाद में लोगे उस पर करेंगे। अब पहले जब मैंने हमारी सरकार छोड़ी उस समय कर्जा प्रदेश पर 14 में 60,000 करोड़ था, और आज कोरोना से पहले 1,90,000 को कर्जा क्रॉस कर गया था, और अब तो 2 लाख से भी बहुत ज़्यादा हो गया कर्जा ले रहे। पैसा गया कहाँ किसी का? हमने कहा कर्जा ले लो, अगर कर्जा लेकर किसान की मदद करते हो, कोई उनको पैकेज देते हो, गरीब आदमी की करते हो, छोटे दुकानदार की करते हो, जो कारीगर है उनकी करते हो, जो दिहाड़ीदार की करते हो, जिन्हें रोज कमाना खाना, ऐसे लोगों को पैकेज दें तो कर्जा लेके दें कि उनका गुजारा करना है। अब कोई बार्बर की दुकान खोले बैठा है, कोई जूता का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3-व्हीलर चलाता है, उनके सारे काम धंधे बंद हो गए, आमदनी बंद होगी, उनको पैकेज दो, चाहे वो टैक्सी चलाता था उसको भी। और किसान का जो है, आपने देखा गेहूं खरीद में किस प्रकार से उनका वो हुआ, बदसलूकी उनके साथ, डेढ़ दो महीने तक किसान की पेमेंट नहीं हुई, अब उसका ब्याज कौन देगा किसान को? और अब उसके बाद जो है नए तजर्बे और शुरू कर दिए, ये कह दिया कि धान मत वो, ऐसी बात बहुत लंबी कहानी है, क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि यानी डार्क जोन को ख़त्म करने के लिए दादूपुर नल भी नहर जो खुद ही खुदाई, सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके ऊपर लग रखा है, वो तो उठवा दी, तो अगर वो नहर बन जाती तो जो ये ब्लॉक जिनमें कह रहे हैं डार्क जोन, उनमें डार्क जोन खत्म हो जाता, जोड़ भरवा देते। अब बारिश आएगी, लंबी टाइम तक बारिश चलेगी, इसका पानी जो है ड्रेनों में भर देते और जोड़ों में भर देते तो डार्क जोन खत्म हो जाता। तो बोले बच्चा भाई जो धान नहीं बोते तो क्या बोले, पक्का मक्का का भाव MSP 1750
और किसान ने आज भी आप जाओ मंडी में 800-900 रुपये बिक रही है। धान की इजाफे की बात कही MSP की तो 53 पैसे प्रति किलो, जबकि एक ड्रम डीजल का जो है वो 4000 रुपये ज़्यादा नहीं हो, एक ड्रम पर 4000 रुपये इजाफा हो गया। तो लागत कितनी बढ़ेगी किसान की, खाद पर टैक्स, तो आपका पेस्टिसाइड्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हर चीज़ पर। मजदूरी देखिए, प्रवासी मजदूर चले गए तो मजदूरी जितनी बिजाई के लिए 1500 रुपया प्रति एकड़ खर्च होना था किसान का, आज 2500 से 3000 रुपये एकड़ होता है। तो हर हिसाब से उसकी तो लागत बढ़ रही है, लेकिन MSP मिल नहीं रहा। किसान तो बर्बादी की कगार पे टका दिया, फिर घोटाले देख रहे हैं आप, घोटाले में भी किसानों के साथ वो हो रहा है। टमाटर जैसे मैं बता रहा था 1 रुपये किलो बिका, अब क्या भाव है टमाटर का, अब 50 रुपये किलो है। हाँ, तो ये जितने भी फैसले लिए इन्होंने वो गरीब आदमी पर और मध्यम वर्ग लोगों पर तो कहा, मैंने बहुत कहा, कहता रहा मैं आपके माध्यम से भी वैसे भी, कि भाई कम से कम जो छोटे दुकानदार हैं, ऐसे जो छोटे छोटे काम करें, कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल ही माफ कर दो, कहीं तो रह दो, क्योंकि दुकान बंद है, बिजली का बिल आ रहा है, एवरेज बिल आ रहा है जो पहले बिल चल रहा था। उसका होटल है, जो 5-स्टार होटल है वहाँ कोई जाता नहीं, लेकिन फिक्स्ड चार्ज वो दे रहे, उतना लो जितनी बिजली। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी वर्ग को राहत पहुँचाने का काम नहीं किया। केयर फंड भी हो गया, कोरोना फंड भी इकट्ठा कर लिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन कहीं किसी वर्ग को नहीं किया। आज तो सारा वर्ग इनसे रुष्ट है, और यही कारण है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ बड़ौदा का चुनाव हम भारी बहुमत से जीते। अब कोरोना काल है भाई, सरकार का काम होता है रोजगार दे। अब PTI सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो हटा दिए, लेकिन हमने बार बार कहा उंगली कोई रास्ता निकालो, उनको कम से कम नौकरी से निकालो, मत निकालो। ये पहले हमारे साथ भी हुआ था एक बार, पुलिस के 1800 कर्मचारी निकाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे से पहले वाली सरकार की भर्ती की हुई तो ओम प्रकाश चौटाला, तो 1800 से 1800 हमने क्या लगाए जेलवाद लगाए, रोजगार देने का काम है। JBT केस में सजा हुई, साबित हो गया, लेकिन जो टीचर लगे तो आज भी लग रहे हैं, कोई भी अकाउंट नहीं होती है 3200 के। तो सरकार का काम भाई रोजगार देने का है। अब 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां आज भी खाली है, 31,000 तो नौकरियां JBT टीचर की खाली है, आपके अखबार में। अब कभी कहते हैं नॉर्म्स कम होंगे, सरप्लस हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतनी खाली है जगह। मेरे ख्याल में आप इन्होंने नॉर्म की चिंता करते हैं, 30 का करते हैं, 30 होना चाहिए, 25 का होना चाहिए, 25 पे एक टीचर होना चाहिए, 30 का कर दिया ताकि नौकरी ना लगे। अब अगली बार लगाने की ताय फिर 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, फिर कुछ टीचर भी जरूरत है। तो ये रवैया 1100 स्कूल बंद कर दिए, 1026 पूरा प्लान किया। हाँ, और जिन बच्चों ने ये स्टेट टेस्ट होता है जो इसका JBT का पास कौन से स्तर में किया था, 2013 में पास करे हुए हैं, अब तक उनको नहीं लगा है, वैकेंसी है, उनका इंटरव्यू में भी नहीं बुला रहे। जुलाई में LGBT खत्म हो जाएगी उनकी। तो युवाओं के साथ जो है, जो उनका भविष्य जो अंधकार में डाल रहे हैं, उस बात के लिए ये आवाज जो है सरकार, पता नहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही ना हो, कोई ये समझ ही नहीं रहा हो, समस्याओं का ना समझ रहा हो, हरियाणा को कैसे ले जाना आगे वो ना समझ रहा हो। हम कहाँ थे 2014 में, कहाँ से आज कहाँ पहुँच गए, और आगे जाना पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, तो मिल बैठ के सलाह करके आगे जाएंगे।
हम बहुत पिछड़ गए। ये मुख्य मामले हैं। कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते। कल कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले हुए बड़ौदा की जो बात कही बड़ौदा इलेक्शन की, तो सीएम साहब से पूछा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी आप चैलेंज दे रहे हैं उनको बड़ौदा में। सीएम कह रहे थे कि सोनीपत लोकसभा लड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ौदा उसी विधानसभा उसी का हिस्सा है, और दीपेंद्र हुड्डा भी लड़ चुके हैं रोहतक लोकसभा, विधायकों के कंधे पर राज्यसभा पहुँच गए लेकिन इलेक्शन तो लड़ के देख चुके हैं। ऐसा है, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ था। मैं यही सवाल पूछता हूँ, उस असेंबली के इलेक्शन में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता और सब किसके हलके में सबसे ज्यादा नोटों आया था और किसके हलके में सबसे कम वोट पड़ी थी, उससे पता लग जाएगा। वो तो लोकसभा के बाद में है। जो लोकसभा में है, जो पार्टी 79 9